फिर अपन दोस्तों क्वेश्चन आप सामने एसएससी जीके और आरआरबी एनटीपीसी एमपीपीएससी रेलवे ग्रुप डी के जीके 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहला प्रश्न अपना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन आप सामने मेघना पद्मा भागीरथी सविता। चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश प्रवेश करने बाद पद्मा नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना अजूबा कौन सा है। सबसे पुराना अजूबा कौन सा है। तो दोस्तों ताजमहल गीजा के पिरामिड चीन की दीवार और कुतुब मीनार। चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना है दोस्तों गीजा के पिरामिड। ये सबसे पुराना अजूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार में कौन सी नदी उत्पाद में जाती है। तो दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।